नीतू की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था और वे हनीमून मनाकर वापस आए थे। सारे मेहमान घर से जा चुके थे, राज की बहन सोनी ही थी। वह भी कल अपने पति के साथ दिल्ली जाने वाली थी। सीमा ने कल ही रात को नीतू को कह दिया था कि मैंने बहुत उठा ली घर की जिम्मेदारी, अब घर और किचन दोनों ही संभालो। यह सुनकर रात को नीतू को नींद नहीं आई। वैसे तो उसे घर का थोड़ा बहुत काम आता था, लेकिन अच्छी तरह से काम में परफेक्ट नहीं थी। वैसे भी उनके घर में ज्यादा लोग नहीं थे। नीतू और राज के अलावा उसका छोटा देवर और सासू माँ थी, जो कि डॉक्टर थी। उन्होंने घर में ही क्लिनिक खोला था। राज के पापा का देहांत हो चुका था, उनके दादाजी उनके साथ रहते थे। राज अभी सो रहे थे। नीतू जल्दी से नहाकर किचन में गई। मम्मी जी चाय बना रही थी। हंसकर बोली, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? शायद मेरी कल रात की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गई, मम्मी जी ने कहा। उठ गई हैं तो चाय पी लो। चाय पीते पीते मम्मी कहने लगी कि यहाँ इतनी जल्दी कोई नाश्ता नहीं करता, देखो वो सो रहे हैं और मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ, उसके बाद अपनी और पापा की चाय बनाती हूँ। इन दोनों का तो पता नहीं कब उठेंगे, क्या कहेंगे, और कभी दोनों उठकर जिम चले जाते हैं। मेरे हिसाब का खाना होता है तो मैं बना देती हूँ, और पापा सुबह नाश्ता नहीं करते, सीधा खाना ही खाते हैं। काम वाली 10 बजे आएगी, वह खाना बना देती है। मेरे से सुबह सुबह करवाना है तो करवा लो, उसके बाद पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं और मुझे टाइम नहीं मिलता काम करने का। अब तो माँ गई हो तो नाश्ते की जिम्मेदारी तुम संभालो, जिसे जो खाना बना देना। मैं तो ज्यादातर बोर्ड से ही लेती हूँ, तुम धीरे धीरे सबकी पसंद जान जाओगी। और हाँ, रोज तो काम वाले अपने पसंद से बनाते, अब तुम अपनी पसंद का उससे बनवा लेना। नहीं तो हर बात में हाँ में सिर हिलाकर हाँ में भर देती। मैं नाश्ते के बारे में पूछती तभी मम्मी जी का फोन आ गया और वह बाहर चली गई। उसने राज से जाकर पूछा तो राज ने कहा कि पराठे और पूरी मत बनाना, बाकी जो तुम्हारी मर्जी। मम्मी जी नहाने चली गई थी। नीतू ने अपनी पसंद का नाश्ता बनाया और फ्रूट भी काट दिया। टेबल पर नाश्ता लगाकर दादाजी को बुलाने चली गई। मम्मी जी अपने ने कहा कि वह नाश्ता नहीं करते हैं, तुम्हारा मन है तो जाकर बोल दो। दादाजी सुबह सुबह उसे अपने कमरे में आया देखकर बहुत खुश हुए। बेटा मैं तो नाश्ता नहीं करता, शाम को काम वाले से रोटी बनवा लेता हूँ, वही एक रोटी सुबह चाय के साथ खा लेता हूँ, मगर आज तुमने बनाया है तो ले आओ, थोड़ा थोड़ा सा खा लूंगा। नीतू जल्दी से पेट लगाकर उन्हें देने गई। अब रोज सुबह उठकर नीतू एक गर्म रोटी बनाकर दादाजी को चाय के साथ देती, दोपहर को भी खुद खाना देने जाती। जब तक खाना नहीं खाते वहीं पर बैठी रहती। दादाजी बहुत खुश रहने लगे थे। इस बात को कुछ ही महीने हुए थे। एक दिन वह सुबह दादाजी के लिए रोटी बना रही थी, तभी मम्मी जी ने उसे जाकर टोका कि ताजी रोटी बनाकर देने की क्या जरूरत है, वो जो रात वाली रोटी है वह ही दे दो, तुम लोग बाहर गए थे वह रोटी बची पड़ी है। वैसे भी दादाजी को क्या फर्क पड़ता, उन्होंने तो चाय में भिगो कर ही खानी है। आज तो तुम हो, कल को अगर मायके चली जाओगी तो कौन बनाएगा, इसलिए उनकी आदत खराब मत करो। माफ करना मम्मी जी, जब घर में सबकी पसंद का नाश्ता बनता। फिर दादाजी को बासी रोटी क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज उनके लिए गर्म रोटी बना कर दूंगी। और आप भी प्लीज मुझे ऐसा करने से ना रोकना, क्योंकि मैं आपकी यह बात नहीं मानूंगी। और हाँ, जब कभी मुझे बाहर जाना होगा मैं काम वाली से कह दूंगी, वे दादाजी को गर्म रोटी बना कर दे देगी, और अगर कभी रात वाली रोटी बचेगी तो मैं खा लूंगी, पर दादाजी को कभी नहीं दूंगी। आप ही बताइए, हम सब अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं और घर के बुजुर्ग मेंबर को रात की बासी रोटी खाने को देते हैं। मम्मी जी बात बासी रोटी की नहीं है, ये उनकी अहमियत की भी है। मम्मी जी ने कहा कि जैसा तुझे ठीक। दादाजी ने दोनों की बातें सुन ली थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके मुंह से निकला कि मेरी बच्ची खुश रहो। नीतू की वजह से आज उनका अकेलापन भी दूर हो गया था, क्योंकि वह कुछ टाइम के लिए दादाजी के पास जाकर बैठती थी।